हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल। ये है डोरा केक्स। बच्चे डोरेमोन बहुत देखते हैं और जब वो डोरेमोन को केक खाते देखते हैं तो वो ज़रूर बोलते हैं कि मम्मा हमारे लिए भी डोरा केक बनाओ। मेरा बेटा तो बहुत ही डिमांड करता है और बहुत ही ईजी मेथड है फ्रेंड्स बनाने का, और खाने में भी ये इनफैक्ट बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आइए बनाते हैं बच्चों के लिए इस बार कुछ खास डोरा केक्स। तो इसके लिए हम एक कप मैदा लेंगे, साथ में हम डाल देंगे आधा कप चीनी का। यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर करी है, तो आप ये घर में ही ग्राइंड कर सकते हैं शुगर को। साथ में डलेगा 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आप डालना नहीं चाहते तो ना भी डालिए। और साथ में डल जाएगा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे दूध से। दूध को आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। यहाँ पर दूध हम एक कप पूरा डालेंगे। एंड फ्रेंड्स, जो आप कप की मेजरमेंट ले रहे हैं उसी को फॉलो करिए चीनी के लिए भी और आगे दूध के लिए भी। और इसमें जो हमने पाउडर्ड मिल्क डाला है, मिल्क पाउडर, उसकी जगह आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको फिर चीनी कम यूज़ करनी है। तो ये अच्छे से मिक्स करिए बैटर। जितना ये स्मूथ होगा उतना ही ये अच्छा पैनकेक आएगा। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और जब ये कुछ रिबन फॉर्म में आएगा आप देख सकते हैं ऐसे, तो ये रेडी है। इसको 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए, उसके बाद हम इसके केक्स बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं। तो पैन को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अगर नॉनस्टिक पैन है तो उसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हल्का सा बटर से ग्रीस कर रही हूँ। तो अब हम किसी भी मेजरिंग कप या फिर कड़छी से इसमें बीच में ये बैटर को डाल देंगे और हल्का सा आप कुछ ऐसे फैलाएंगे। आपको फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं भी फैलाएंगे तो ये गोल शेप ले लेगा। और हर टाइम ही आपको सेम मेजरमेंट ही यूज़ करना है। जिस भी कड़छी या कप से आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपको उसको फिल करके डालना है ताकि सबके साइजेस सेम बने। तो देखिए ऊपर इसमें अच्छे से जाली आ गई है, मतलब दूसरी साइड पक चुकी है। तो इसको फ्लिप करिए और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और जो इनका कुकिंग टाइम है पैन पर, हार्डली आपको 1 मिनट लगता है एक पैनकेक के लिए। अगर पैन बड़ा है तो आप इकट्ठे 2 से 3 भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ये इजी प्रोसेस है बनाने का। और फ्लफी देखिए कितने अच्छे से हो गया है, अच्छे से फूल के ये ऊपर आ जाता है। तो ये बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। मैं दोनों साइड से आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से पक गया है। तो ऐसे ही हम दूसरा और बाकी के भी पैनकेक्स बना लेंगे। हल्का सा ही फैला रही हूँ मैं इसी की हेल्प से। देखिए कितनी अच्छी ये शेप ले रहा है। तो इस तरह से सारे ही डोरा केक्स हम बना लेंगे। जो ये एक कप है इससे ऑलमोस्ट 7 या 8 पैनकेक्स इजीली बन जाते हैं, मतलब कि आपके 4 डोरा केक्स इसमें आराम से बन जाएंगे। तो डोरा केक्स हमारे रेडी हैं। तो चलिए आइए अब हम इसमें लगाएंगे चॉकलेट स्प्रेड। तो जनरली इसके अंदर नटेला लगाते हैं, बट आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैकविटीज़ का यूज़ कर रही हूँ। मैकविटीज़ का भी चॉकलेट स्प्रेड बिल्कुल ही नटेला जैसा ही है, ये हेज़लनट स्प्रेड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें हेज़लनट स्प्रेड का ही आता है। तो कुछ इस तरह से आप अच्छे से लगाइए और कवर करिए दूसरे केक से। और ये देखिए कितना ये टेस्टी लग रहा है देखने में। बच्चे तो बहुत ही लाइक करते हैं। फ्रेंड्स, कुकिंग टाइम भी इसका कुछ नहीं है। आप चाहे तो इसको बच्चों को टिफ़िन में भी डाल के दीजिए, तो बच्चे तो बहुत ही खुश होके खाएंगे। तो कुछ इस तरह से अब हमारे डोरा केक्स रेडी हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई है। पसंद आई है तो अपने बच्चों को बना के खिलाइए। और मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो उसको लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।